బ్యాంకు అభివృద్ధి ద్వేయంగా పనిచేస్తానని మహేష్ బ్యాంక్ చైర్పర్సన్ అభ్యర్థి భగవతీదేవి బల్దువా తెలిపారు. హైదరాబాద్ బేగం బజార్లోని మహేశ్వరి భవన్లో భారీ ఎత్తున జరిగిన మహిళా గర్జన సభలో భగవతీదేవి మాట్లాడుతూ తమ ప్యానల్ను గెలిపిస్తే మహేష్ బ్యాంక్ అభివృద్ధికి పాటుపడతామని తెలిపారు. తమ ప్యానల్ నుండి ఇద్దరు మహిళలు, అందులో ఒకరు చైర్పర్సన్ అభ్యర్థిగా మరొకరు డైరెక్టర్గా పోటీ చేస్తున్నందుకు సంతోషిస్తున్నానని తెలిపారు. 15కు 15 మంది ఫౌండర్ ప్యానెల్ సభ్యులుగా డైరెక్టర్లుగా గెలిపించాలని ఈ వేదిక నుండి కోరుతున్నానని తెలిపారు. మహిళా శక్తి తెచ్చుకుంటే ఏదైనా సాధ్యమేనని నిరూపించాల్సిన అవసరం ఉందని, అందుకు తమ వంతు సహకారం అందించాలని, మీ బంధువులను, మీకు తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరి చేత ఓటు వేయించి తమ ప్యానెల్ను గెలిపించి బ్యాంకు అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు. कोई भी सामाजिक संस्था जब तक जीवित रहती है उसमें समय के साथ बदलाव रहती। हम सब महिलाओं की प्रेरणा स्रोत जो कि हमारे तेलंगाना आंध्र का है, हम सब जानते हैं नारी शक्ति जब आगे बढ़ती है प्रेरणा की तापड़िया। इंदिरा जी बाजार, इंदिरा जी बाजार का स्वागत करेंगी। आप एक ऊर्जा लेकर जाएं, यहाँ से आप एक संकल्प लेकर जाएं, अगले अगले 6 दिन तक आप एक मिशन मोड में काम करें। आप अगर चाहते हैं कि आपकी ये बहन वहाँ चेयरपर्सन बने तो आप मिशन मोड में काम करें। यहाँ मेरी बहुत सारी बहनें बैठी है, बहन रमा जी बैठी है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगी, अपने घर पे, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों से, अपनी बहनों से जो यहाँ नहीं आई है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ बैठी हर एक बहन समाज की कम से कम 100 बहनों का प्रतिनिधित्व करती है। तो आप अपने घर पे जाके ये सबसे बात करें और सबको कहें कि ये जरूरत है आज की हमारे बैंक की सुरक्षा के लिए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है वो जो अंशधारक के नाम पे महेश बैंक बोल रहा हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है एक अंशधारक बैंक कब से हो गया। ये जो एकाधिकारवाद की भावना है उस भावना को ही हमें तोड़ना है। तो बैंक की सुरक्षा के लिए मैंने अपने भाइयों को राखी भेजी, उन्होंने उसका भी मजाक उड़ा दिया। ये तो हमारा इतिहास गवाह है, हमारी संस्कृति बताती है कि जब जब किसी बहन ने कोई प्रण लिया, जब जब किसी बहन ने कोई लक्ष्य लिया, जब जब किसी बहन कोई उद्देश्य को लेकर चली, अपने भाइयों को साथ में लेकर चली, क्योंकि हम नारी सशक्तिकरण बिना पुरुषों के नहीं करते हैं। हमारे हिसाब से पुरुष और नारी दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं, तो हम दोनों साथ में चलते हैं। तो अगर मैंने अपने भाइयों से आग्रह किया कि राखी भेजी, इस राखी की लाज बचाकर मेरे इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, मेरे इस प्रण की प्राप्ति के लिए आप आए सहयोग करें, उन्होंने उसको भी मजाक बना दिया। बनाएंगे ना, जो संस्कारों को कुछ नहीं मानते, जो संस्कृति को कुछ नहीं मानते, वो हर चीज का मजाक बनाएंगे। बहनों मैंने पत्र आपको भी लिखा है, शायद कुछ को मिल गया है, लेकिन पोस्टेज डिपार्टमेंट में ऐसा होता है, नहीं तो अगले 2-4 दिन में मिल जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से जो फेसबुक लाइव से मुझे सुन रही है उन बहनों को भी मैं कहना चाहती हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से हर बहन से, हर भाई से मिलना चाहती थी, लेकिन समय बहुत कम है, बहुत सारे काम है। और जो कहते हैं ना कि कहीं भी हम गए, आपको आश्चर्य होगा,
10 लोगों से अगर मिले हम तो 10वें से 10वें क्या बात करें, समाज आपके साथ है। आज फाउंडर्स पैनल जो चुनाव लड़ रहा है वो फाउंडर्स पैनल नहीं लड़ रहा है, वो चुनाव सारा समाज लड़ रहा है, समाज की बहनें लड़ रही है। लेकिन बस खेती बदमाशी रोक लीजिए, यानी ये तो सर्टिफाइड सबने किया कि वो बदमाशी तो करते हैं, लेकिन मैं आपको आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों की शक्ति लेकर मैं विश्वास दिलाती हूँ, बैंक के चुनाव इस बार ईवीएम से